स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर कंप्यूटर बुक, दैट इज द मेमोरी. ये चैप्टर जो है ये हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, कि मेमोरीज के टाइप्स पढ़े थे हमने, प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी हमने रैम एंड रोम को डिस्कस करा था. ठीक है, एक बार मैं वापस से आपको इसका रिकैप दे रही हूँ, तो अंडरस्टैंड इट केयरफुली. इस चैप्टर के अंदर हम द मेन और प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, रैम और रोम का डिफरेंस पढ़ेंगे, मेमोरी और स्टोरेज को यूनिट करने की मेजरिंग करने की जो यूनिट्स है उनको डिस्कस करेंगे, और सेकेंडरी मेमोरी उसके पर्पस पढ़ेंगे, और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के अंदर उनकी क्या कैटेगरीज होती है और उस मीडिया को कैसे हम स्टोर करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और वन ऑफ द वंडरफुल फीचर ऑफ अ कंप्यूटर एज इट्स एबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी रिट्राइव्ड और एट अ लार्जर स्टेज वेरी क्विकली. सबसे वंडरफुल फीचर जो है कंप्यूटर का या फिर सी एबिलिटी जो है वो क्या है, कि ये लार्ज अमाउंट में डेटा जो है वो स्टोर करता है, और एक बहुत जल्दी कोई डेटा जो अगर हम खो जाता है तो उसको रीगेन भी कर लेता है, रिट्राइव मतलब रीगेन भी कर लेता है. द कंप्यूटर स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी दैट इज आइदर बिल्ट इनटू द डिवाइस और इज कनेक्टेड एक्सटर्नली. ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, तो या तो वो उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है या फिर उसके अंदर कोई डिवाइस कनेक्ट करके हम उसको एक्सटर्नल भी स्टोर, मतलब किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को हम कनेक्ट करके उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं. मेमोरी जो है उसको स्टोर हाउस ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. ठीक है, आपको भी अंडरलाइन करनी है लाइन कि मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स मेमोरी, लेट अस डू अ क्विक रिकैप. ठीक है, प्रीवियस क्लास जो थी उसमें आपने पढ़ा ही होगा कंप्यूटर उसकी मेमोरी के बारे में, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है जो आपको सेल्फ करनी थी. ओके, नाउ बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी की. प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल सीपीयू. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है, सीपीयू से कनेक्ट होती है. प्राइमरी मेमोरी के दो तरह की मेन काइंड ऑफ मेमोरीज होती है, वो होती है रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो क्या है, रैम इज इन द फॉर्म ऑफ अ चिप दैट इज अटैच्ड टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. रैम जो है वो ऐसी एक चिप के जैसे मेमोरी होती है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर उसके मदरबोर्ड से कनेक्ट करी हुई होती है. देन रैम इज द कंप्यूटर्स वर्किंग मेमोरी, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं. इट इज टेम्पररली स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर बीइंग यूज्ड एट अ गिवन टाइम बाय द प्रोसेसर. ठीक है, जो भी इसके अंदर डेटा या प्रोग्राम जो भी स्टोर किया जाता है वो टेम्पररली स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है. दैट आर बीइंग यूज्ड एट अ गिवन टाइम बाय द प्रोसेसर, तो जो भी प्रोसेसर इसको यूज करता है वो प्रोग्राम और डेटा जो है टेम्पररली स्टोर किया जाता है, परमानेंटली स्टोर नहीं किया जाता है. रैम जो है उसको RNW मेमोरी भी कहते हैं. RNW मतलब रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, जहां पर इंफॉर्मेशन जो है उसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं. द कंटेंट्स ऑफ रैम कैन बी चेंज, और इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं. इफ पावर टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी जो है चली जाती है, पावर जो है वो ऑफ हो जाती है कंप्यूटर की, तो द कंटेंट्स ऑफ रैम आर लॉस्ट, तो जो भी रैम के अंदर कंटेंट्स होंगे जो भी आप कर रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे. मेमोरी विच इज वाइप क्लीन ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी. जो मेमोरी कंप्यूटर के टर्न ऑफ होते ही एकदम क्लीन वाइप हो जाती, मतलब लॉस हो जाती है ना, हट जाती है, गुम हो जाती है, तो उस मेमोरी को हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी. तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि अगर जैसे ही आपके पावर ऑफ होती है तो कंप्यूटर के अंदर का जो भी डेटा होता है रैम के अंदर का वो लॉस हो जाता है, दैट्स व्हाई उसको वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. ठीक है, बात करते हैं रोम की. रोम इज द कंप्यूटर्स परमानेंट मेमोरी, ये वो टेम्पररी थी और ये परमानेंट मेमोरी होती है. द कंटेंट्स ऑफ रोम कांट बी चेंज, दे कैन ओनली बी रीड. ठीक है, रैम के जो कंटेंट्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं और उसको रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं. रोम के कंटेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं. रोम इज अ मेमोरी चिप दैट इज जनरली इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मदरबोर्ड. रोम जो है वो एक मेमोरी चिप है जो कि जनरली इंस्टॉल किया जाता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है कंप्यूटर का वो उसको इंस्टॉल करता है जब भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग की जब प्रोसेस चल रही होती है तब उसको रोम को इंसर्ट किया जाता है मदरबोर्ड ऑफ द, मतलब मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे.
इफ़ द पावर टू अ कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ, अगर पावर जो है कंप्यूटर की वो टर्न ऑफ हो जाती है, मतलब लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो कंटेंट्स जो है रोम के वो लॉस्ट नहीं होते हैं और रेम के हो जाते हैं। सच मेमोरी इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कॉन्टेंट्स होते हैं वो लॉस्ट नहीं होते हैं पावर ऑफ होने के बाद भी। बात करते हैं बाइट्स, बिट्स एंड बाइट्स की, ठीक है। अगर कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको मेजर करते हैं हम तीन तरीके से, KB, MB एंड GB, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है और गीगाबाइट क्या होता है। GB और MB जो है आपने आपके फ़ोन के अंदर जब आपका इंटरनेट जो है आप यूज़ करते हो आपने देखा होगा, लाइक आपके बहुत बार मैसेज भी आता है यू हैव यूज्ड योर 50% ऑफ डेटा। तो अगर आपके पास आपने जो अगर 1 GB का आपने कराया है रिचार्ज आपके फ़ोन में, तो 500 MB जो है उसमें से आप लॉस्ट कर लेते, दैट मीन्स 500 MB जो है आपका इंटरनेट लॉस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और आप रिमेनिंग जो है वो 500 ही बचा है। तो इस तरह से आपके पास इस तरह से मतलब कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको अपन ऐसे नहीं किलोमीटर या लीटर में नहीं उसको मेजर करते हैं, उसको हम किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट में मेजर करते हैं। किलोबाइट और मेगाबाइट क्या होते हैं, सबसे छोटी यूनिट जो होती है कंप्यूटर मेमोरी की उसको हम बोलते हैं बिट, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड अ बिट, ठीक है। याद रखना आप सभी कि सबसे छोटी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की उसको हम बोलते हैं बिट। एक बिट जो है उसके अंदर सिंगल बाइनरी डिजिट होती है एंड कैन हैव अ वैल्यू ऑफ आइदर 1 or 0, ठीक है। एक बिट जो है उसके अंदर सिंगल बाइनरी डिजिट होती है जिसकी वैल्यू जो होती है या तो 1 होती है या फिर 0 होती है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ बाइट, और जिस यूनिट से आप कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं, सबसे पहली चीज़ है कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो तो होती है बिट, और जिस यूनिट से आप कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं वो होती है बाइट। 1 byte इज मेड अप ऑफ 8 bits, ठीक है। 1 byte के अंदर, 1 byte के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 bits होते हैं, ठीक है। और ये आप लोग अंडरलाइन कर लेना, 1 byte में 8 bits होते हैं और हाफ बाइट जो है वो 4 bits से बनी हुई होती है। ऑब्वियसली अगर 1 है तो 8 उसमें बिट्स है तो हाफ हो जाएंगे, मतलब 1 का आधा हो जाएगा तो कितने बिट्स हो जाएंगे, 4 bits हो जाएंगे। और उन 4 bits को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं, ठीक है। उन 4 bits को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। किलोबाइट्स एंड मेगाबाइट्स आर हायर यूनिट ऑफ मेजरिंग मेमोरी, और किलोबाइट और मेगाबाइट जो है वो हायर यूनिट होती है मेमोरी को मेजर करने के लिए। 4 bits जो है उसमें कितने निबल होते हैं, 1 निबल होते हैं। 8 bits में 1 byte, 1024 bytes में 1 kilobyte, 1024 kilobyte में 1 megabyte, 1024 megabyte में 1 gigabyte, 1024 gigabyte में 1 terabyte, 1024 terabyte में 1 petabyte, 1024 petabyte में 1 exabyte, 1024 exabyte में 1 zettabyte और 1024 zettabyte में 1 yottabyte। इस तरह से ये मेजरिंग होती है। द यूनिट बिट इज डिनोटेड बाय लोअर केस बी, ठीक है। जो बिट है उसको हम लोअर केस बी से मेजर करते हैं, और द यूनिट बाइट इज डिनोटेड बाय द अपर केस बी। टू राइट 8 bits वी यूज लोअर केस, दैट इज 8B। अगर आपको बिट लिखना है तो आपको छोटा वाला बी यूज करना है, स्मॉल कर्सिव, और अगर आपको जो बड़ा बाइट लिखना है तो आपको बड़ा वाला बी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये फैक्ट है, ओके। नाउ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूजुअली कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को आप सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। द डिवाइस दैट एक्चुअली होल्ड्स द डाटा, ऐसा डिवाइस जो एक्चुअल में डेटा को होल्ड करता है और डेटा को रीड करता है, जो ऐसा डिवाइस जो डेटा को होल्ड करता है डेटा को रीड करता है फ्रॉम इट इज नॉन एज अ सेकेंडरी मीडियम। तो वहां से इसको क्या बोलते हैं, हम सेकेंडरी मीडियम बोलते हैं। द डिवाइस दैट एक्चुअली होल्ड्स द डेटा और रीड्स डेटा फ्रॉम इट इज नोन एज अ सेकेंडरी एज द स्टोरेज मीडियम। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड पेन ड्राइव आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ये सब एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के। ईच ऑफ दीज डिवाइसेज हैव अ डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी, और इस हर डिवाइस की मतलब CD की, हार्ड डिस्क की, DVD की, पेन ड्राइव की, सबकी क्या होती है, अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम स्टोर करता है, तो सबकी अपनी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के 2 types होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 type होते हैं, रेम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी के कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड CD, DVD और पेन ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव, ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 2 parts है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके अंदर 2 parts है,
रेम एंड रोम और सेकेंडरी में 5 है, तो ये वाले 5 है, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जो है उसकी कैटेगरीज हैं, 3 तरह की कैटेगरी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया और सॉलिड स्टेट स्टोरेज मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके फन फैक्ट में लिखा है पेन ड्राइव जो है उनको यूएसबी भी बोलते हैं, क्योंकि यूएसबी मेमोरी स्टिक और यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी हम इसको बोलते हैं। यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया और सॉलिड स्टेट स्टोरेज मीडिया, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया क्या होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एंड डिवाइसेस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटाइज्ड डॉट्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया जो डिवाइस होते हैं या फिर जो मीडिया होता है वो कैसे स्टोर करता है डेटा को, इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटाइज डॉट, ठीक है। एक मैग्नेटाइज मतलब चुंबक जैसे कुछ डॉट्स होते हैं उनके फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। इसके अंदर इंक्लूड होती है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क इज अ सर्कुलर पीस ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटीरियल। फ्लॉपी डिस्क जो है एक सर्कुलर मतलब सर्कुलर पीस ऑफ प्लास्टिक होती है, इसको कोट मतलब किससे कोटेड करी हुई होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से, एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड प्लास्टिक कवर। और उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, एक हार्ड प्लास्टिक कवर। द साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज मेजर्ड इन इंचेस। तो फ्लॉपी डिस्क की जो साइज है उसको मेजर करते हैं हम इंचेस में, एंड इट इज यूजली 3.5 इंचेस वाइड। और ये कितनी वाइड होती है, 3.5 इंचेस वाइड होती है इसकी साइज। हर फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1.44 एमबी डेटा जो है वो स्टोर करती है। आप फ्रॉम द थर्ड क्लास पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1.44 एमबी डेटा जो है वो स्टोर करती है, मतलब कि मेगाबाइट। फ्लॉपी डिस्क हैव बिकम ऑब्सोलेट नाउ, मतलब कि नॉट इन ट्रेंड, मतलब अब इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। कौन, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो अब इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, हायर कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस ने। कौन कौन से हायर कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस है, सीडीज, डीवीडीज और पेन ड्राइव, इन्होंने फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि वो अब ज्यादा ट्रेंड में नहीं रही है, फेमस नहीं रही है। दैट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, क्योंकि सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब यूज करती है। सीडी एंड डीवीडी आर बोथ सर्क्यूलर इन शेप। सीडी और डीवीडी जो है आपको पता है दोनों कैसे शेप में होती है, सर्क्यूलर मतलब कि राउंड शेप में होती है। हाउएवर डीवीडी हैज अ मच हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ सीडी, बट डीवीडी जो है उसका ज्यादा स्पेस होता है इन एज कम्पेयर टू सीडी। सीडी से ज्यादा स्पेस जो है मतलब स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डीवीडी की होती है। पेन ड्राइव आर मच स्मॉलर इन साइज विद सेवरल टाइम्स हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ सीडी एंड आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स, ठीक है। सीडी से ज्यादा स्पेस डीवीडी में होता है और डीवीडी से ज्यादा स्पेस पेन ड्राइव में होता है। हालांकि पेन ड्राइव जो है आप सभी ने देखी बहुत छोटी होती है साइज में, इतनी इतनी सी भी होती है पॉकेट पेन ड्राइव, इसलिए उनको बोलते हैं इतनी इतनी सी होती है, बट फिर भी सेवरल टाइम ज्यादा मतलब कि हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है देन डीवीडी या फिर अदर जो भी वेरियस शेप्स जो है अवेलेबल, और ये जो है अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होती है। कौन, पेन ड्राइव, पीडीज। उसके बाद में बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क इज अ सर्क्यूलर मेटल डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो एक सर्क्यूलर मेटल डिस्क है जो कोटेड किस, जैसे फ्लॉपी डिस्क कोटेड है ना मैग्नेटिक मटेरियल से, वैसे ये भी कोटेड है मैग्नेटिक मटेरियल से, एंड यूजुअली सील्ड इन अ डार्क हार्ड डिस्क ड्राइव इनसाइड द कंप्यूटर। और इसको किससे सील किया जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर के अंदर होती है। द डाटा एक्सेस स्पीड इज वेरी फास्ट एंड डाटा स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क कैन बी एक्सेस मच मोर क्विकली देन डेटा स्टोर्ड ऑन अ फ्लॉपी डिस्क। जो भी डेटा जो है हार्ड डिस्क जो है वो जल्दी एक्सेस करती है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसकी अप टू 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हार्ड डिस्क जो है वो दो तरह की होती है, ओके। हार्ड डिस्क जो है वो दो तरह की होती है, फिक्स्ड हार्ड डिस्क एंड पोर्टेबल हार्ड डिस्क। फिक्स्ड हार्ड डिस्क क्या होती है, अ हार्ड ड्राइव बिल्ट इनटू द केस ऑफ अ कंप्यूटर इज नॉन एज फिक्स्ड, ठीक है। हार्ड ड्राइव जो है वो एक केस ऑफ कंप्यूटर में बिल्ट की जाती है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर हैज अ फिक्स्ड हार्ड डिस्क, और हर कंप्यूटर के पास में एक फिक्स्ड हार्ड डिस्क होती है, दैट मीन्स जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही मतलब उसके केस में इंसर्ट करी हुई होती है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क क्या होती है स्टूडेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसको हम और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं। एक्सटर्नल से ही आप समझ गए होंगे कि इसको हम बाहर से
ठीक है, कोई बाहर से कुछ मतलब कोई किसी डिवाइस में कनेक्ट करके अंदर इंसर्ट करते हैं, फिक्स जो पहले से ही लगी हुई होती है कंप्यूटर के अंदर, और पोर्टेबल मतलब किसी और चीज में इंसर्ट करके हम इसको कनेक्ट करते हैं। इज वन दैट इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल केस, मतलब कि छोटे से केस में उसको इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद में हम इसको एक्सटर्नली यूज कर मतलब एक्सटर्नल यूज कर मतलब इंसर्ट करके इसको इंसर्ट करके कंप्यूटर के अंदर फिर यूज करते हैं। इट इज यूज इन एडिशन टू द फिक्स हार्ड डिस्क एंड कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजिली। ठीक है, इसको हम फिक्स हार्ड डिस्क साथ में यूज कर सकते हैं, साथ साथ इसको हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जा भी सकते हैं। पोर्टेबल हार्ड डिस्क अलाउ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर को अलाउ करती है कि वो बहुत ज्यादा डेटा जो है वो वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट कर सके। फिक्स्ड हार्ड ड्राइव्स एक्ट एज द मेन बैकअप स्टोरेज। फिक्स्ड हार्ड ड्राइव जो है वो जो मेन बैकअप स्टोरेज जो होता है डिवाइस का, वो हर ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में होता है, वो कौन करता है? फिक्स्ड हार्ड ड्राइव करते हैं, ठीक है, ना कि पोर्टेबल हार्ड डिस्क। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल को आप और बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जो है वो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया है वो क्या करता है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, ठीक है, डॉट्स के पैटर्न में मतलब लाइट ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया को जो है उसको हम विद द हेल्प ऑफ लाइट जो है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जो है उसको हम लाइट की हेल्प से रीड कर सकते हैं। जैसे लेजर बीम जो है ये एक यूजुअल सोर्स ऑफ लाइट है। लेजर बीम आप छोड़ मतलब आप किसी डिवाइस पे डालोगे और वहां से आप उस मीडिया को मतलब रीड कर सकते हैं। ठीक है, इन डिवाइस में कौन कौन आता है? सीडी रोम, डीवीडी रोम और ब्लू रे। सीडी रोम, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ये आप सभी को पता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो तीन तरह की फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, सीडी रोम, सीडीआर एंड सीडीआरडब्ल्यू। अब ये सब क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सीडी रोम की फुल फॉर्म आपको पता ही है, प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी रिसेंबल्स एन ऑर्डिनरी कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑर्डिनरी कॉम्पैक्ट डिस्क की जैसी ही होती है। इट कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 650 MB ऑफ डेटा। ठीक है, 650 MB ऑफ डेटा जो है ये स्टोर करती है, विच इज 400 times द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ऑन एन ऑर्डिनरी 3.5 inch फ्लॉपी डिस्क। 3.5 inch फ्लॉपी डिस्क जो होती है ऑर्डिनरी, उसका 4 times जो है ये होता है 650 MB डेटा जो है ये सीडी रोम अपने अंदर स्टोर करती है। इसलिए तो सीडी फ्लॉपी डिस्क जो है उसको रिप्लेस कर दिया है सीडी रोम्स। और इन्होंने सीडी रोम डिस्क हैव प्रीलोडेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड आर रीड ओनली। ठीक है, सीडी रोम के अंदर पहले से इन्फॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर देता है। दिस मीन्स दैट द इन्फॉर्मेशन ऑन अ सीडी रोम कैन नॉट बी इरेज और चेंज। इसलिए सीडी रोम अगर उसमें अगर मैन्युफैक्चरर उस पर पहले से ही वो डेटा जो है वो प्रीलोड कर रहा है, तो इस वजह से जो सीडी रोम का डेटा होता है ना उसको ना तो आप इरेज कर सकते हो ना ही आप चेंज कर सकते हो। और नो न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव, ना ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर सेव होती है। दे आर टिपिकली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर एंड म्यूजिक। और इनको हम टिपिकली किसके लिए यूज कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सीडीआर, सीडीआर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ये होता है सीडी रोम और ये डीवीडी रोम और ये ब्लू रे। ठीक है, दीज आर परचेज एज ब्लैंक एंड कैन बी रिटर्न ऑन बाय अ सीडी राइटर। इनको हम परचेज करते हैं एकदम ब्लैंक और इसके अंदर हम रिटर्न करते हैं ऑन बाय अ सीडी राइटर। सीडी राइटर की हेल्प से हम इसके अंदर कुछ ना कुछ राइट करते हैं। वंस रिटर्न द डिस्क कैन बी री रिटर्न एंड बिकम अ सीडी रोम। ठीक है, तो जब एक बार इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं ना तो उसको हम मतलब ऐसा नहीं कि इरेज कर दिया और वापस से रीराइट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार लिखने के बाद सीडी आर जो है वो सीडी रोम बन जाती है, मतलब कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए उसको सीडी रोम बोल देते बाद में। ठीक है, सीडीआरडब्ल्यू, सीडीआरडब्ल्यू मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब कि इसके अंदर इसको परचेज करते हैं ब्लैंक, उसके बाद सीडी राइटर की हेल्प से लिखते हैं और एक बार लिखने के बाद हम डाटा को वापस से इरेज करके वापस से रीराइट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम रीराइटेबल बोलते हैं। और जिसके अंदर हम डाटा को रीराइट नहीं कर सकते उसको हम सीडीआरई बोलते हैं। बात करते हैं डीवीडी रोम की। डीवीडी रोम जो है वो देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई ऐसा दिखता है। डीवीडी डिस्क कैन स्टोर अप टू 17 GB ऑफ डेटा। 17 GB डेटा जो है वो स्टोर करता है डीवीडी। दिस स्टोरेज स्पेस इज इनफ टू स्टोर एटलीस्ट 4 फुल लेंथ मूवीज। ठीक है, फुल लेंथ मूवीज मतलब कि 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की 4 पिक्चर्स को आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। हैंस डीवीडीज आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस ऑर्डिनरी कॉम्पैक्ट डिस्क एंड वीडियो टेप्स इन द फ्यूचर।
इसलिए डीवीडी का ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डीवीडी जो है वो आने वाले टाइम में जो ऑर्डिनरी कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है, ऑर्डिनरी सीडीज जो है और जो टेप्स है, वीडियो टेप जो है, इनको रिमूव कर देगी, ठीक है। उसकी जगह हम क्या यूज करने लग जाएंगे, डीवीडी रोम यूज करने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें मतलब चार दो दो घंटे की मूवीज आप एटलीस्ट एट ए टाइम स्टोर कर सकते हैं। अब ब्लू रे डिस्क कैन होल्ड 25 या 50 जीबी ऑफ डेटा, मतलब ये तो सिर्फ 17 कर देती है, इससे ज्यादा ब्लू रे जो है वो कितना 25 से 50 जीबी डेटा जो है वो मतलब होल्ड करती है, इसमें इतना स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अ ड्यूअल लेयर ब्लू रे डिस्क कैन होल्ड ट्वाइस दैट मोमेंट, ठीक है। और जो ड्यूअल लेयर, ये तो सिंगल लेयर, जो ड्यूअल जिस पे दो लेयर होती है ब्लू रे डिस्क की, वो इसका डबल डेटा जो है वो स्टोर करती है। दे आर रैंडम एक्सेस डिवाइसेस, और ये रैंडम एक्सेस डिवाइसेस होते हैं। ब्लू रे डिस्क आर यूज्ड इन द सेम मैनर एज डीवीडी रोम, जिस तरह से डीवीडी रोम को यूज करते हैं उस तरह से ब्लू रे को भी हम यूज करते हैं। बट सिंस दे कैन होल्ड मोर डेटा, पर इनके पास ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू डीवीडी रोम, दे आर ऑल्सो यूज टू स्टोर वेरी हाई क्वालिटी एच डी वीडियो। तो इसमें हम एच डी वीडियोज जो है हाई क्वालिटी वाली वीडियोज जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज मीडिया, द टर्म सॉलिड स्टेट मतलब कि नो मूविंग पार्ट, इसमें आपको ज्यादा कुछ मेहनत लगती है, मतलब इसको कोई मूव करना नहीं पड़ता है, आपको एक्सटर्नली आपने एक डिवाइस कनेक्ट कर और आपका डेटा जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, पेन ड्राइव्स, यूएसबी मेमोरी स्टिक्स। यूएसबी को ही, अब मैंने बताया था, पीडीज को ही यूएसबी मेमोरी स्टिक्स बोलते हैं। मेमोरी स्टिक्स और पेन ड्राइव्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप सभी को पता है। पेन ड्राइव को ही मेमोरी स्टिक्स या यूएसबी मेमोरी स्टिक्स बोलते हैं। दे आर प्लग्ड इन टू द कंप्यूटर एंड कैन बी यूज टू मूव एनी टाइप ऑफ द फाइल बिटवीन टू कंप्यूटर, ठीक है। इसको जिस आपको प्लग इन करना है और आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो दो कंप्यूटर में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज मीडिया, ठीक है। तो हमने मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी देखा, कंप्यूटर मेमोरी के दो टाइप्स थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में दो थे, रैम एंड रोम, और सेकेंडरी में भी पांच थे। पांच कौन कौन से थे, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी एंड पेन ड्राइव। उसके बाद में सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जो है उसकी कैटेगरीज है तीन, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट। फिर उसको हमने डिस्कस करा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। थैंक यू एवरीवन।